एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। सभी का स्वागत है अनअकैडमी नीट टॉपर्स पर। मेरा नाम नितेश देवनानी, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर आप लोगों को नीट में 140 प्लस केमिस्ट्री में चाहिए। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो यार, हमारा टारगेट 140 प्लस नहीं है, हमारा टारगेट है 170 प्लस केमिस्ट्री में नीट में हमको लेके आने। लेकिन 140 प्लस क्या है? एक बेंचमार्क स्कोर है जो कि एक राइट स्ट्रेटजी के साथ, एक राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स के साथ इसे बड़ा इजीली अचीव करा जा सकता है। बच्चे क्या होते हैं, रैंडम स्टडी करते रहते हैं और ये नंबर 140 प्लस तक भी वो कभी भी नहीं लेके आ पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है कि एटलीस्ट आपके 140 प्लस पक्के हो जाएं। लेकिन हमारा ध्यान रखना, हमारा जो टारगेट है वो बेटा 170 प्लस का है। इतनी मेहनत हमें करनी है, इतने अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे नीट एग्जाम में अल्टीमेटली 170 प्लस चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोगों को 140 तक पहुंचना पड़ेगा और कैसे पहुंचना है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमें पता है केमिस्ट्री के तीन हिस्से हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है एंड ऑर्गेनिक है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आप लोगों के नीट के एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, 50 क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में आ रहे हैं केमिस्ट्री में। अब सबसे पहला ये सवाल आता है कि सर किस पोर्शन से ज्यादा आते हैं? तो देखो यार, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ये हर साल वेरी करता है। कभी आप लोगों को दिखेगा कि यार फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेटिंग है, कभी दिखेगा इनऑर्गेनिक है, कभी दिखेगा ऑर्गेनिक है। तो हम लोग यार ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर सकते कि किस पोर्शन से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यही मानते हुए चल रहे हैं कि हर पोर्शन से 16 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हर पोर्शन को हम लोग यार बराबर वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है प्रेडिक्ट करना कि कौन से पोर्शन से ज्यादा आता है, ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑन एन एवरेज रफली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है क्वेश्चंस का, ठीक है। 16 से 18 क्वेश्चन हर किसी आपके टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हमको सबसे पहले टारगेट करने चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यार बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले आप लोगों को इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आना चाहिए। इक्विलिब्रियम में बेटा मैं दोनों कंसिडर कर रहा हूं, केमिकल एज वेल एज आयनिक, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। यहां से आप लोग 2-3 सवाल तक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो 12वीं कक्षा का चैप्टर है सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर आप लोगों का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगेन 12th का चैप्टर है, इसमें आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है ये चैप्टर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे और आपको बड़े आराम से, बड़े अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहां से भी आप लोग यार क्वेश्चंस काफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया तो आप लोगों की फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को, जिसपे मतलब आप लोगों को कमांड होना ही चाहिए। यहां से कितने क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन चार चैप्टर्स से, अगर हम लोग देखें ऑन एन एवरेज लास्ट 10-15 साल के अगर हम पेपर्स उठाएं और उसको ऑब्जर्व करें, तो इन चार चैप्टर्स से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन तक आप लोग यहीं से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, अच्छे से करना है। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देखिए जो चैप्टर्स हैं वो है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आते हैं ना, कभी भी केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर को छोड़ने की मत करना, है ना। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, बड़ा है लेकिन बल्क में क्वेश्चन आते हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों का पी ब्लॉक, ये आपको करना है, ठीक है। एंड 12th केमिस्ट्री का होता है एक और चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनसे भरी रहती है। अगर ये तीन चैप्टर हम लोगों ने ढंग से कर लिए ना, तो बिलीव मी अगेन आप 8 से 10 सवाल बहुत अच्छे से नीट के एग्जाम में कवर कर पाओगे केवल इन तीन चैप्टर से। तो आप लोगों को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम बेटा रैंडम स्टडी करे जा रहे हैं, हम सुबह उठते हैं हमारा मन करता है कि हम केमिस्ट्री का ये फलाना चैप्टर उठा के पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया, पता चला उसका वेटेज बहुत कम है। हम लोगों को जब ये पता चलेगा कि हाँ यहां से देखो इतने क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी फिर पढ़ाई रहेगी, ठीक है। तो इन तीन चैप्टर से अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर लिए, तो मेजरली आपका जो पेपर रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इन तीन चैप्टर से रहता है। अब आप लोग बात कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों को जैसे जीओसी सबसे पहले सीखनी है ना, और ये सीक्वेंस भी यही रहता है, हम लोग भी बेटा मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जीओसी। उसके बाद हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके एक होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गए, है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, ये सारे, है ना, है ना। वैसे ये काफी बड़े हैं,
लेकिन यहीं से ही आप लोगों का मेजर क्वेश्चन पेपर बनता है। अगेन यहां से भी आप लोग 8 से 10 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, मैं साइड हट जाता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है ये आप लोगों को चैप्टर सबसे पहले करने हैं, ठीक है। और आप लोगों को इन पे बहुत अच्छी मास्टरी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, जो हमारी मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में सारी चीजें 110% मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, वो प्लेलिस्ट हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, हमारा टारगेट बेटा 140 प्लस का है, इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा जो आप लोगों की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की आपको थ्योरी सभी चैप्टर्स की आनी चाहिए, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो आनी ही चाहिए। थ्योरी में बेटा क्या क्या बात कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहां से सवाल आ जाता है, अगर नीट एनसीईआरटी में आपने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो वो आप लोगों के डायरेक्ट नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज बेस्ड होता है कि मतलब कई बार क्या होता है डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठा के आप लोगों से पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी की थ्योरी आप लोगों को कवर करनी है, और अगर एक बार एनसीईआरटी की थ्योरी आपकी कवर हो गई तो आप लोग यहां से कम 30 से 35 सवाल आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इन सभी चैप्टर्स की एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, एक एक लाइन टू लाइन आना चाहिए कि हाँ हम लोगों को पता रहना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है। एटलीस्ट इन सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। और साथ साथ मैं बहुत बार बोलते हुए आया हूं कि आप लोगों को क्या करने हैं, पीवाईक्यूज करते हुए चलने हैं। पीवाईक्यू मैं ऑलरेडी आपको 3 चैप्टर के करा चुका हूं, मोल कॉन्सेप्ट के करा दिए हैं, एटॉमिक के करा दिए हैं, एज वेल एज पीरियोडिक टेबल के भी करवा दिए, आगे के भी चैप्टर्स के मैं आपको करवाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज एटलीस्ट 20 इयर्स के करिएगा, अभी समय बहुत है, तो आप लोग इससे ज्यादा के भी कर सकते हो, लेकिन 20 साल के तो हमको करने ही करने हैं। इसके ज्यादा आप लोगों को लगता है आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप इसके आगे भी बिल्कुल जा सकते हो। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी टू स्कोर 140 प्लस इन केमिस्ट्री। रैंडम स्टडी मत करिए, एक प्लान बनाइए, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर पढ़ो, तो डेफिनेटली आप लोग ये स्कोर अचीव कर सकते हो। मेरे साथ में पढ़ रहे हो तो बिलीव मी हमारा ये टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट बेटा 170 प्लस का है, और इतनी मेहनत आप भी करोगे, इतनी मेहनत मैं भी करूंगा कि हम लोग उस टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। तो अगर मेरे साथ पढ़ना है तो बिल्कुल आप लोग बेटा प्लस या फिर आइकॉनिक में आप लोग एनरोल हो सकते हो, स्पार्टन मेरा कोड है उसमें आओगे तो बिल्कुल हम लोग आप प्रॉपर मेरी मेंटोरशिप में आ जाओगे। और अभी बेटा अनसेट आ रहा है जो 100% स्कॉलरशिप जिसमें आप लोगों को मिल सकती है। टेस्ट डेट्स क्या है, 8th and 15th October, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक रहेगा, वहां से आप लोग इसमें एनरोल कर लेना। क्लासेस बेटा हमारी आइकॉनिक पे भी चल रही हैं, प्लस पे भी चल रही हैं, स्पार्टन कोड के साथ एनरोल करोगे तो मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी और हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करके आप लोगों को पूरा साल गाइड करते रहेंगे, ठीक है। एक बहुत ही शानदार इवेंट आ रहा है जिसका नाम है अनअकैडमी 1। ये 5th September को इवेंट है, टीचर्स डे के दिन, और 6 बजे से लाइव हो जाएगा। मेक श्योर आप इसे देखें, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर ले, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट इन द एडटेक इंडस्ट्री, राइट। तो इसको आप लोग बिल्कुल फॉलो करिएगा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। 5th September से स्टार्ट है ये और 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन सेंटर बेटा खुल चुके हैं आपका, कोटा और लखनऊ में ऑलरेडी खुल चुका है, पटना और नोएडा में जल्दी ही आने वाला है। स्पार्टन कोड के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप प्लस या फिर आइकॉनिक में आ सकते हो। कोड आप लोगों को स्पार्टन लगाना है ना, पूरी मेंटोरशिप में आप लोग मेरे आ जाओगे और प्रॉपर तरीके से हम लोग एक क्लोज एनवायरमेंट में विद पर्सनल मेंटोरशिप पढ़ेंगे। स्पार्टन कोड के साथ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एज वेल एज मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई और डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टेक केयर, बाय बाय।